Hey guys, welcome to my channel Mama's Yummy Love. Hope you all are fine and doing well. आज हम बनाने वाले हैं गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट मोहनथाल. आज हम उसे दोनों फॉर्म में बनाएंगे, एक तो जो रेगुलर पीसेस के फॉर्म में बनता है उसे भी बनाएंगे, और आजकल शादियों में लूज मोहनथाल गरम गरम सर्व करने का बहुत ट्रेंड है, तो उसे भी हम बनाएंगे, वो भी एक ही रेसिपी से. सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन दिस वीडियो. हम देख लेंगे मोहनथाल बनाने के इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पर हमने ली है शक्कर, फिर है चने का आटा, घी और खोआ या मावा. आप कोई भी चने का आटा यूज कर सकते हैं ये रेसिपी के लिए. और ये है जायफल जिसे हम ग्रेट करके डालेंगे, इलायची पाउडर और गार्निशिंग के लिए बादाम. और ये है दूध और घी जो हम ढाबा देने के लिए यूज करेंगे. मोहनथाल बनाने के लिए एक बड़े और ब्रॉड बर्तन में हमने एक छन्नी रखी है और उसमें हम हमारा चने का आटा अच्छी तरह से छान लेंगे. ये रेगुलर घर का चने का आटा है जो मैं कढ़ी और पकौड़े बनाने के लिए यूज करती हूँ. कोई स्पेशल आटा मार्केट से परचेज नहीं किया है. अच्छी तरह से हमारा आटा छन गया है और उसमें हम अब देंगे ढाबा. ढाबा देने का प्रोसेस है, उसमें हम डालेंगे गरम घी और गरम दूध. यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून गरम घी लिया है और 1 टेबल स्पून गरम दूध लिया है. और अब दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में हम आटे को इस तरह हल्के हाथ से मल लेंगे, तभी हमारा मोहनथाल का आटा एकदम रवादार बन जाएगा. अब आगे आगे देखते जाइए. 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से दोनों हथेलियों के बीच में आपको आटे को अच्छी तरह से रब करना है या मल लेना है. आराम से बनाइए. ट्रेडिशनल स्वीट्स का मजा तभी आता है जब आप उसे पेशेंटली और आराम से बनाते हैं. यहाँ पे हमारा आटा काफी रवादार हो गया है. एक प्लेट में हमने उसे निकाल लिया है और वापस वही बर्तन में हमने गेहूं के आटे छानने की छन्नी रखी है और उसमें वापस हमारा जो मोहनथाल का चने का आटा है उसे छान लेंगे. इससे हमारा आटा बहुत ही यूनिफॉर्म हो जाएगा और इतना रवादार हो जाएगा कि आपको लगेगा ये एक मोहनथाल के लिए परफेक्ट आटा है. अच्छी तरह से हमें चने के आटे को छान लेना है और ये देखिए कितना रवादार बन गया है हमारा मोहनथाल का आटा. तो ये ढाबा देने का स्टेप आप प्लीज स्किप ना कीजिए. इसी से आपका मोहनथाल बहुत ही अच्छा बनेगा एंड में. जब आप खाएंगे तो वो मुंह में रवादार, दानेदार और मावेदार बनेगा. यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर टिन लिया है और उसे मैंने अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है. ये है मावा या खोआ, उसे मैं ठीक तरह से ग्रेट कर रही हूँ या उसे किस रही हूँ. और ये है घी. मैंने यहाँ पे 3/4 कप या 3/4 कप घी लिया है और उसमें से 1.5 टेबल स्पून घी निकाल लिया है. ये परफेक्ट मेजरमेंट है. और उसमें हमने जो चने का आटा छाना था उसे डाल दिया है. लो फ्लेम पे आप ये प्रोसेस कीजिए. जरा भी अगर आप फ्लेम को फास्ट करेंगे तो मोहनथाल अच्छा नहीं बनेगा और उसका कलर भी बहुत खराब हो जाएगा. यहाँ पे मैं वीडियो स्पीड अप कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही धीमी आंच पे चने के आटे को घी में अच्छी तरह से सेका है. नियरली 7 मिनट बाद घी और आटा अच्छी तरह से पक जाएगा. फिर आप देख सकते हो कि उसमें इस तरह से बबल्स आने लगेंगे या छाग आने लगेंगे और हमारा आटा भी एकदम हल्का होता जाएगा. ये देखिए, आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत हल्का हो गया है. इनफैक्ट हमारा घी और आटे का मिक्सचर ही बहुत अच्छा और हल्का हो गया है. यहाँ पर हम उसे ज्यादा डार्क या डार्क ब्राउन होने नहीं देंगे. जब ये हल्का सा बादामी कलर का है तभी हम उसमें डाल देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ मावा. अगर हम उसे ये पॉइंट पर ज्यादा डार्क करेंगे तो फाइनली जब आपका मोहनथाल बनेगा तब वो ज्यादा डार्क हो जाएगा. तो ये जब हल्का सा पिंक कलर का या बादामी कलर का है तभी हम उसमें ये मावा डाल देंगे हमारा. और वापस उसको मावा डालने के बाद 1.5 मिनट तक चलाते रहेंगे. ज्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो वापस मोहनथाल का कलर खराब हो जाएगा. अच्छी तरह से हमें मावे को घी और आटे के मिक्सचर में मिक्स करना है. आप देख सकते हैं हमारे मोहनथाल का कलर ऑलरेडी गोल्डन होने लगा है. तो हमें ऐसे ही एक गोल्डन कलर का मोहनथाल चाहिए. तो ये कलर स्पेसिफिकेशन के लिए भी आप बहुत ही अलर्ट रहिए, नहीं तो 1 या 2 मिनट में ही पूरा मोहनथाल का कलर डिस्ट्रॉय हो सकता है. गरम गरम में ही डाल देंगे हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना जायफल पाउडर.
अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वापस उसका कलर डार्क होता जाएगा। तो वापस उसे 5 से 7 मिनट तक इस तरह से हिलाते रहिए ताकि मिक्सचर हमारा ठंडा होता रहे। यहाँ पे हमारा तवा अभी गर्म है तो मिक्सचर का कलर चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वापस यहाँ पर भी हम उसे 7 से 8 मिनट तक हिलाते रहेंगे या तब तक हिलाएंगे जब तक कि वो थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। अब हम बना लेंगे हमारी शक्कर की चाशनी। तो उसके लिए एक छोटे से बर्तन में हमने यहाँ पे लिया है 112 ग्राम शक्कर और 1/4 कप या 1/4 कप पानी। अच्छी तरह से हमें उसे उबाल लेना है या हम उसे तब तक उबालेंगे जब तक कि हमें हाफ स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी ना मिल जाए या हमें आधे तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, चाशनी को हमें ज्यादा कड़क नहीं करना है। ये देखिए इस तरह का थोड़ा सा स्टिकी सिरप हो जाए और आपको आइडिया आ जाएगा कि ये हमारी ऑलमोस्ट हाफ स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी बन चुकी है। तब हम गैस को बंद कर देंगे और ये चाशनी को हम डाल देंगे हमारे मोन थाल में। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही हूँ हमें कैसी चाशनी बनानी है। ज्यादा आप चाशनी को ठंडी ना होने दीजिए, इमीडिएटली आप मोन थाल में डालते रहिए और दूसरे हाथ से आप हिलाते रहिए। अच्छी तरह से हमें हमारी चाशनी और ये मोन थाल के मिक्सचर को हिलाते रहना है। 1 मिनट तक हम उसे हिलाते रहेंगे और फिर हमने जो स्क्वायर मोल्ड ग्रीस किया है उसमें हम मोन थाल को सेट करने के लिए रख लेंगे। ये देखिए आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि हमारा मोन थाल सेट होने को आ रहा है। बस तो आपको ज्यादा भी हिलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा मोन थाल ऑलरेडी एक फॉर्म ले रहा है, एक शेप ले रहा है। तो बस ये पॉइंट पे हम उसे हमारा जो टिन है उसमें डाल देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से आप ऊपर भी लेवलिंग कर लीजिए। जब ये मोन थाल हमारा गर्म है तब हम उसे इस तरह बादाम से गार्निश कर देंगे, क्योंकि गरम गरम में ही बादाम उस पर स्टिक हो जाएगी या अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अब हम मोन थाल को छोड़ देंगे और 4 से 5 घंटे बाद ये देखिए हमारे मोन थाल के कितने अच्छे पीसेस बन के आए हैं और ये रवादार है, दानेदार है, मावेदार है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला मोन थाल है। आप इसे डेफिनेटली बनाइए और अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। ये मैं शूट कर रही हूँ नियरली 6 दिन के बाद। मोन थाल को मैंने फ्रिज में रख दिया था इसलिए कड़क है, मैंने अभी उसे निकाला है। लेकिन यही कड़क मोन थाल से हम बनाने वाले हैं जो हम गरम गरम और नरम मोन थाल सर्व करते हैं उसे। बस तो मोन थाल के छोटे छोटे पीसेस करके हमें उसमें सिर्फ 1 चम्मच दूध डाल देना है और धीरे धीरे करके हमें उसे लो फ्लेम पे नरम करते जाना है। आप थोड़े टाइम पहले उसे 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल के रखिए तो मोन थाल ऐसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको जरूरत लगे तो आप 1-2 चम्मच और भी दूध का डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही दूध डाला है। हमने जो मोन थाल बनाया था उसका ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी जितना ये मोन थाल है या उससे भी शायद थोड़ा कम है, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच दूध लिया है। ये बिल्कुल अंदाजे से आप कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट सर्व मोन थाल भी हमारा रेडी है। वापस हमने ऊपर उसे बादाम से गार्निश कर दिया है और ये देखिए हमारा सॉफ्ट सर्व मोन थाल भी एकदम रेडी टू सर्व है। आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो नॉर्मल पीसेस वाला मोन थाल और सॉफ्ट सर्व गरम गरम मोन थाल दोनों रेडी टू सर्व है। तो ये रेसिपी प्लीज आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल मामाज यमी लव को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मामाज किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद सम मोर नाइस एंड गुड रेसिपीज। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।